श्रद्धा से किसी भी मंत्र के अंदर फलित होने की शक्ति मिल जाती है, और श्रद्धा ना हो तब भाइयों बात बनती नहीं। श्रद्धा से लोगों ने पत्थर में भगवान पैदा किए हैं, और श्रद्धा ना हो तब भाइयों ऐसे हाल होते हैं। एक पंडित जी गंगा किनारे जा रहे थे, उनके साथ में और भी लोग थे। गंगा किनारे पहुंचने के बाद उस लोग बोले, नाव नदी में बहाव बहुत तेज है, नदी पार करनी बहुत ज़रूरी है, क्या करें पंडित जी, यहाँ तो कोई नाव भी नहीं दिखती, कोई तरीका बताओ जिससे पार हुआ जाए। पंडित जी कहने लगे, तरीका तो है, तो बोले बताइए। बोले हमारे पास एक जादुई मंत्र है ऐसा, जिसको जपते हुए आप पार कर सकते हैं। वो सोचने लगे कि पंडित जी अगर पार नहीं हुए और बीच में डूब गए तब। बोले आप डूबोगे नहीं, इतना विश्वास आप करो, और आपको फिर भी विश्वास ना हो तो आप ऐसा करो, बाकी लोगों से ये कह जाओ कि जब तक हम पार ना हो जाएं तब तक इनको पकड़े रहना, और मान लो हम डूब जाए तो इनको भी डूब देना। उन्होंने कहा ठीक है, तो पंडित जी बताओ सही क्या मंत्र है वो। उन्हें कान बताएंगे, उन्हें कान आगे किया, उन्हें मंत्र बता दिया। आप लोग भी सभी सोचते होंगे पता नहीं क्या मंत्र बताया। मंत्र बताया उन्होंने राम नाम का, उनके राम नाम मंत्र जपो और पार हो जाओगे। वो सज्जन राम नाम का जाप करते करते नदी के ऊपर चलने लगे, और आधा घंटे में नदी पार हो गई। कुछ मुसलमान भाइयों ने देखा, भागे भागे अपने मौलवी जी के पास पहुँचे, कहने लगे मौलवी जी साहब, हिंदुओं का मंत्र इतना करामाती कि बिना नाव के नदी पार करा दी उन्होंने, आपके पास कोई मंत्र है या ऐसा क्या? मौलवी जी बोले, वाह हमारे पास क्यों नहीं, हमारे पास भी है, हम भी पार करा देंगे। बोले कैसे पार करा देंगे? बोले हम पार करा देंगे भाई, हमारा विश्वास करो। बोले अगर नहीं किया तो भाई तुम ज़्यादा क्या करो, हमको डुबो दे देना, और क्या करोगे? उन्होंने कहा ठीक है, क्या मंत्र है? मौलवी जी ने कहा, आप खुदा कहो, खुदा खुदा कहोगे नदी पार हो जाओगे। वो सज्जन खुदा खुदा कहते रहे, वो भी नदी पार हो गए। लेकिन भाइयों वहाँ एक सज्जन और थे जो सब नज़ारा देख रहे थे, वो थे थोड़े तिकड़मी। कैसे तिकड़मी? जैसे आप और हम। उनने क्या तिकड़म जुड़ाई, उनने सोचा राम नाम लेके आधा घंटे में नदी पार हो गई, आधा घंटे में खुदा खुदा कह के नदी पार हो गई, अगर इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो, इनका मिक्सर बन जाए तो 15 मिनट में नदी पार हो जाएगी, तो इन दोनों से करामाती कौन हो जाएंगे? हम। उन्होंने कहा ठीक है, पहला प्रयोग इनकी जगह खुद करके देख लेना चाहिए, अगर सफल हुआ तो फिर अपना धंधा चल जाएगा। उन्होंने क्या किया, मानी मन राम खुदा राम खुदा राम खुदा राम खुदा कह के चलना शुरू किया। नदी पर चले, थोड़ी दूर जाके मजार ढप से डूब गए। भाइयों श्रद्धा विहीन साधना, श्रद्धा विहीन मंत्र कैसे डूब जाते हैं, बीच मझधार में ऐसे ही डूब जाते हैं। अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें, कभी भी कहीं भी डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप, उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल स्टोर पर भी। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।